बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान अब्दुल बासित के साथ। नाज़रीन आइए, आज जल्दी से ज़रा जानने की कोशिश करते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं कि हमारे वोट का सही हकदार कौन सी पार्टी है। सही भी नहीं कहना चाहिए, बेहतर हकदार कौन सी पार्टी है, क्योंकि सही हकदार तो यहाँ पे शायद कोई पार्टी भी आपको ना मिले। और आज का जो हमारी डिस्कशन है, वो हम अपनी सियासी जो हमारी वाबस्तगियाँ हैं, जो हमारी इंक्लिनेशन है, उससे अबव होकर, बालातर होकर उससे देखते हैं और फिर फैसला करते हैं कि कौन सी पार्टी हमारे वोट की, मैंने कहा, बेहतर हकदार है। इस सिलसिले में पहले एक बात वाजे कर दूं कि वो ज़माने थे जब पार्टियां नज़रियाती हुआ करती थीं, लेकिन अब वो हालात नहीं रहे। क्या जमात इस्लामी, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या मुस्लिम लीग और क्या PTI, जहाँ तक नज़रियात का मामला है वो सब ख़त्म हो गया। अब पार पॉलिटिक्स है, तमाम पार्टियां चाहती हैं कि किसी तौर पे पावर में आएं, ताकत हासिल करें, कुर्सी हासिल करें, और उसके बाद अगर वो चाहती हैं कि पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करें तो अपने प्रोग्राम, जो भी उनके मैनिफेस्टोज हैं, उन पर अमल दरामद करने की कोशिश करते हैं। तो ये बुनियादी चीज़ जो अपने जहन में आप रखिए, और उसके बाद आप हम जो डिस्कशन अभी हम कर रहे हैं उसको हम आप आगे लेकर चलते हैं, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपकी कॉल्स भी लेंगे। हमें बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि जो मैंने तजिया किया है वो दुरुस्त है, गलत है, आप उससे इतफाक़ करते हैं, इख्तिलाफ़ रखते हैं, तो आप अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि जो भी तीन मेजर जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, PTI, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन तीनों का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, ख़ास तौर पर पिछले 5 साल का। इन तीनों पार्टियों ने हुकूमत की है, तो हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये खड़ी हैं, इनकी परफॉर्मेंस कहाँ रही। इसके अलावा MMA, जो अलायंस रिसेंटली दोबारा हाल ही में रिवाइव हुआ है, उसकी परफॉर्मेंस हमारे सामने है मुशर्रफ साहब के दौर में, वो भी हमारे लिए एक इंडिकेशन है कि आया इस पार्टी को वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो आइए नाज़रीन, पहले देखते हैं ABC कैटेगरी को सामने रख के कि PTI कहाँ खड़ी है। इमरान खान, नाज़रीन, हम जानते हैं पिछले 2 दहाइयों से कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स में आए हैं, और उनका बुनियादी जो जो नैरेटिव है वो करप्शन के ख़िलाफ़ है। उनका ख्याल है कि तहरीक इंसाफ जो है वो एंटी करप्शन पार्टी है, इंसाफ के लिए खड़ी हुई है, तो लोगों को एक थर्ड ऑप्शन मिला है तो वो लोगों को उसको इस्तेमाल करना चाहिए, उसके हक़ में वोट देना चाहिए। अब अगर हम देखें तो पिछले बहुत से कुछ सा पिछले 2 सालों में कम से कम तहरीक इंसाफ ने जहां करप्शन के लिए धरना, जहां पैनामा के लिए धरने भी दिए, उससे पहले रिगिंग जो उस पर धरने दिए, तो एक एजिटेशनल पॉलिटिक्स भी उन्हीं के खाते में आती है कि उन्होंने पूरे पिछले 4-5 साल एजिटेशन में गुजार दिए, और इसीलिए पार्लियामेंट को भी ख़ास वक़्त उन्होंने नहीं दी। इमरान खान का सिर्फ 20 मरतबा वो नेशनल असेंबली में आए हैं और उनका जो 4% बनता है ये टोटल, तो पार्लियामेंट को भी वो इतनी अहमियत उन्होंने नहीं दी। बहरहाल उनकी जो सारी पॉलिटिक्स थी वो करप्शन के ख़िलाफ़ रही, इलेक्शन रिगिंग के ख़िलाफ़ रही। अब KP में जो उन्होंने किया वो हमें मालूम है कि उन्होंने बहरहाल कुछ रिफॉर्म्स वहाँ पर किए, एजुकेशन, तालीम के शोबे में, हेल्थ के शोबे में, और पुलिस रिफॉर्म ख़ास तौर पे। और चूंकि नासिर दुरानी जो वहाँ के IG थे, मेरे बैचमेट हैं, मैं उनके बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, वही मुझे बताते रहे कि जो जो वहाँ पे रिफॉर्म्स हुए हैं। तो इन 3-4 शोबों में यकीनन PTI ने KP में बहुत काम किया, लेकिन एनर्जी में जिस तरह काम करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। उनकी परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बहरहाल वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने 300 छोटे छोटे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, लेकिन वो बाहर वो भी कंट्रोवर्शियल हैं। फिर एक और कहाँ वो क्लेम जो लेते हैं कि उन्होंने 1 बिलियन दरख्त वहाँ लगवाए, बल्कि 1 बिलियन कुछ करोड़, ये भी दूसरी जो पार्टीज़ हैं वो उसको चैलेंज करती हैं। लेकिन अब पेशावर जब दाखिल होते हैं तो हमें कोई ख़ास कोई सब्ज़ा नज़र नहीं आता, और नज़र नहीं आता कि कहाँ ये प्लांट्स लगे हैं। बहरहाल ये क्लेम है और वो बार बार इसको करते हैं, तो इसको वेरीफाई भी किया जा सकता है। अगर चलें 1 बिलियन नहीं भी लगाए तो कम से कम 500 मिलियन लगा लिए होंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनको अगर माहौलियात का इल्म है, उसके जो असरात हैं उनके बारे में वो जानते हैं, तो एक अच्छी काविश थी। मुमकिन है कि 1 बिलियन ना लगे हों, लेकिन बहरहाल इसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने इस तरफ तवज्जो ज़रूर दी है PTI ने। फिर जब हम देखते हैं नाज़रीन के एक और बहुत अजीब सा काम PTI का हुआ कि वो तो पंजाब गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को मेट्रो बस पे क्रिटिसाइज़ करते रहे कि ये क्या है, इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स PMLN लगा रही है,
इनको हेल्थ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, तालीम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन जब अपना वक्त आया तो इलेक्शन से 2 साल पहले पिशावर में इन्होंने BRT जो बस रैपिड ट्रांसपोर्ट का सिस्टम वहाँ पे उसकी तामीर शुरू कर दी। अभी पिशावर में जाइए तो हालात, सड़कें उखड़ी पड़ी हैं और अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ प्रोजेक्ट। लेकिन ये हमें समझ में बात नहीं आई कि जिस असूल के तहत या जिन असूलों की बुनियाद पे आप ये MLN को क्रिटिसाइज़ करते रहे, वही काम आपने भी किया। तो ये भी एक किस्म की कॉन्ट्रडिक्शन हमें PGI में मिलती है। उसके बाद जो उनका नाज़रीन मैनिफेस्टो है उसमें हम देखते हैं कि उसमें एक अच्छा जामे मैनिफेस्टो है। ख़ास तौर पर मेरे ख्याल में सिर्फ यही पार्टी है जिसने बहुत सी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की है और उसके लिए कुछ हल भी हमें बताए हैं, और कश्मीर की बात की है अक़वामे मुत्तहिदा के क़रारदादों के मुताबिक उसको हल करने के लिए। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि PTI जो है बुनियादी तौर पर एंटी क्योंकि करप्शन हमारा एक बहुत बड़ा इशू है, और इमरान ख़ान के बारे में लोग जो भी कहते हों, उनकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में जो भी कहते हों, उनकी जो 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 एजुटेशनल पॉलिटिक्स है उससे भी लोग क्वेश्चंस रेज करते हैं। लेकिन बहरहाल ये बात क्लियर है कि करप्शन का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो ज़ाती तौर पे करप्ट नहीं है, ये बात उनके दुश्मन भी मानते हैं। इसीलिए टोटल हम उनको देख कर अगर हमें कोई कैटेगराइज देना पड़े, कोई मार्क्स उनको देना पड़े, तो मैं उनको इस वक्त B कैटेगरी में देता हूँ, उनको B जो है उसमें PTI को खड़ा करता हूँ। उसके बाद हम MMA को देखते हैं नाज़रीन। तो MMA हम देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी अभी हाल ही में दोबारा इन्होंने रिवाइव किया है। जो पहले MMA के 4-5 साल रहे मुशर्रफ साहब के ज़माने में, ख़ास उस पर भी कोई ऐसी कारनामे उन्होंने अंजाम नहीं दिए कि हम कहें कि बाहवा MMA दोबारा आ जाएगी तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसी कतन कोई बात नहीं। और अभी भी हमें ये देखने में आता है कि जहाँ जमात इस्लामी PTI के साथ मुंसलिक रही, कोलिशन गवर्नमेंट में रही KP में, लेकिन जब सेनेटर सराजुल हक साहब बन गए और अब इलेक्शन का वक्त आया तो उन्होंने सोचा कि आप मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हाथ मिला लें। और मैं ये बात ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि जब काजी हुसैन अहमद बाहयात थे तो वो कितने नालां थे मौलाना फजल रहमान साहब से। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्यों ये अलाइंस हुआ है। भारत ये अलाइंस इसलिए हुआ है कि पार पॉलिटिक्स है, कोई आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स नहीं है। इसलिए MMA को तो मैं इस वक्त C जो है ग्रेड देता हूँ, सी ग्रेड। उनके जो उनका मैनिफेस्टो अलबत्ता बहुत अच्छा है, लेकिन ख़ास तौर पर सिर्फ यही पार्टी है जो बात कर रही है मुतनासिब नुमाइंदगी की, और ये एक बड़ी अच्छी बात है। अगर हमारे इलेक्शन, हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को अगर रिफॉर्म कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ एक अच्छी काबिश होगी। लेकिन उनके जो पास्ट परफॉर्मेंस है और अभी जो पॉलिटिक्स है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान को हमने देखा कि कश्मीर कमेटी में, कश्मीर पे कोई काम उन्होंने नहीं किया, वक्त ज़ाय किया सारा, और इसी तरह वो भी एक किस्म की ऐसी पॉलिटिक्स करते रहे जो कि पार पॉलिटिक्स के साथ ही रही। PMLN के साथ खड़े रहे, वजारतें लीं, लेकिन काम कोई नहीं हुआ। तो मैं उनको ग्रेड C देता हूँ इस वक्त उनकी परफॉर्मेंस को देखकर, उनके जो ओवरऑल एक उनकी पार्टी का कैरेक्टर है और MMA की जो अब रिवाइवल हुआ है, मैं नहीं समझता कि ये कोई पाकिस्तान में, क्योंकि नजरियाती पार्टी तो कोई नहीं है, इस्लाम की बातें तो करते हैं लेकिन इस्लामी निज़ाम अगर पूछें है क्या, उसको इम्प्लीमेंट किस तरह करेंगे, मिसाल के तौर पर सूद के निज़ाम को किस तरह ख़त्म करेंगे, इसका इसके पास कोई जवाब नहीं है। इसी तरह और बहुत सी चीज़ें हैं। और हम बाज़ औक़ात ये भी होता है नाज़रीन कि हम छोटी छोटी बातों को जिनका शायद हमारे दीन से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है उसको हम लेकर बैठ जाते हैं और पूरे मुआशरे को उसी गिरफ्त में ले आते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे मेरा ख़्याल ये है कि MMA को हम सी ग्रेड देते हैं इस वक्त, क्योंकि उनकी जो पास्ट परफॉर्मेंस रही है वो कोई इतनी अच्छी नहीं रही, और ख़ास तौर पर इस वक्त जो उन्होंने एक किस्म का मुआहदा किया है जमात इस्लामी ने और मौलाना जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप ने, वो मेरी समझ से तो बाला तर है। इसके अलावा कि वो सिर्फ पावर की है जंग, और वो चूंकि इमरान ख़ान को शिकस्त देना चाहते हैं ख़ास तौर पे KP में, तो उन्होंने ये कोलिशन, ये इलेक्टोरल अलाइंस कर लिया है। अब ये कामयाब होते हैं नहीं होते ये अब एक डिफरेंट बात है, इसके बारे में देखेंगे। जहाँ तक नाज़रीन पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, हम जानते हैं कि उनकी हुकूमत रही है सिंध में, और सिंध में जो ख़ास तौर पर आप कराची को ही देख लीजिए
तो जो वहाँ वेस्ट है, कचरा है, उसकी मैनेजमेंट भी ये पार्टी नहीं कर सकी, इनकी हुकूमत नहीं कर सकी। सिर्फ एक इसी नुक्ते को अगर आप ले लीजिए नाज़रीन, तो ये इनका जो ग्रेड बनता है वो सी ही बनता है, शायद डी भी बन जाए, लेकिन चलें सी पर हम इत्तेफाक कर लेते हैं। उसके बाद कराची में, सिंध में पानी के जो मसाइल हैं, और ख़ास तौर पे सेहत के जो मसाइल, थरपारकर में सैकड़ों बच्चे हमारे जहाँ भाग हुए बीमारियों से, कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी और उनको कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं था। पानी के जो पानी के से जो गंदे पानी से जो अमराज जन्म लेते हैं वो भी आपके सामने है। फिर अगर हम पीपल्स पार्टी की पिछली हुकूमत देखें 2008 से लेकर 2013 तक, तो उसमें यकीनन एक खुशाइन बात जो थी, उन्होंने 58(2)(b) का खात्मा किया, जो प्रेसिडेंशियल पावर्स थी उनको ट्रांसफ़र किया पार्लियामेंट की तरफ, तो ये एक खुशाइन बात थी। उसके बाद एक और जो काम उन्होंने किया, अब उस पर बहस हो सकती है कि जो टू टर्म पहले एक रेस्ट्रिक्शन थी कि कोई शख्स कंसेक्यूटिवली दो टर्म से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकता, वो उन्होंने ख़त्म किया। वो मिसाक जमहूरियत जो भी था, वो नवाज शरीफ साहब को एकोमोडेट करना चाहते थे, वो ये भी एक पॉलिटिक्स का हिस्सा था, तो इसलिए चले हम उसको भी नज़रअंदाज कर देते हैं एक हवाले से। लेकिन ओवरऑल आप देख लीजिए सिंध में पिछले 5 सालों, बल्कि 10 सालों का हिसाब अगर आप इनसे मांग लीजिए, तो एनर्जी में कोई ख़ास काम नहीं हुआ। एनर्जी के हवाले से रोना ही रोते रहते हैं कि वफाक ने ये कर लिया, उन्होंने ये कर लिया, लेकिन ख़ुद कोई काम नहीं करना। फिर उसके अलावा जो करप्शन के केसेस हैं, चाहे वो मेमन सजीद मेमन साहब हों, या जरदारी साहब खुद हों, उज़ैर बलोच हों, आसिफ जरदारी साहब हों, फरियाल साहिबा हों, सब के हवाले से, फिर आसिम हुसैन, डॉक्टर आसिम हुसैन हों, एयान हों, तो ये तमाम जो केसेस हैं वो इस तरफ ही इशारा करते हैं कि पीपल्स पार्टी की जो करप्शन है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। और अगर इनको दोबारा हुकूमत मिल गई तो फिर अल्लाह ही अपना करम करे हम सब पे। लेकिन बहरहाल हम उस पे नहीं जाते कि इनको हुकूमत मिलेगी नहीं मिलेगी, एक डिफरेंट बहस है वो इंशाल्लाह किसी और वक्त। लेकिन इस वक्त जो इनकी परफॉर्मेंस और फिर इनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी 2008-2013 से, उसमें हमने देखा मेमोगेट, फिर जो आसिफ जरदारी ने कुछ ऐसे बेतुके बयान दिए फर्स्ट यूज़ के हवाले से कि हम न्यूक्लियर जो फर्स्ट स्ट्राइक है वो हम नहीं करेंगे, फिर मुंबई जब वाकया हुआ तो उसमें इन्होंने इंडिया से कह दिया कि जी हम अपना DGISI आपकी तरफ भिजवा रहे हैं, तो इस किस्म की इररेस्पॉन्सिबल चीज़ें भी हमने PTI के दौर में देखी। फिर जो सुप्रीम कोर्ट के साथ हुसैन हक्कानी मेमोगेट के बाद जो हालात रहे, फिर जो ख़त लिखने की बात थी कि स्विस गवर्नमेंट को ख़त लिखें ताकि जो असासे हैं वो वापस आ सकें, उसके बारे में भी जो उस वक्त की सेंट्रल हुकूमत थी उनका एक रवैया था बड़ा एंटी कि हमने ये काम नहीं करना, तो एक किस्म का माहौल में जो है तलखी सी थी, और वो भी जो हालात जिस तरह गुजरे। और फिर एनर्जी का जो क्राइसिस PPP ने पैदा किया वो भी हम सबसे छुपा नहीं है, क्योंकि 2013 में जो हालात हैं हम सबको याद हैं, तो एनर्जी पे कोई काम नहीं, फिर वाटर कंजर्वेशन पे कोई काम नहीं हुआ कि जो पानी हम इतना ज़ाय कर देते हैं, तकरीबन 90 से 100 मिलियन एकड़ फीट का पानी हम हर साल ज़ाय करते हैं, उसी कंजर्वेशन के लिए भी कुछ नहीं किया। जो नीलम नदी पार प्रोजेक्ट, नीलम जेहलम पार प्रोजेक्ट सारे शुरू हुए थे वो ख़त्म नहीं कर पाए, तो इसलिए हम पीपल्स पार्टी को इन सारी जो उनकी कार्रवाइयाँ हैं, जो परफॉर्मेंस है उनको सामने रखते हुए, मैं कम अज़ कम उनको सी ग्रेड ही दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो ज़्यादा नाज़रीन, इस वक्त हमने PTI को बी ग्रेड दिया, MMA को सी ग्रेड दिया, और पीपल्स पार्टी को सी ग्रेड दिया। अब देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कौन सा ग्रेड हासिल करती है, इसका जिक्र हम अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में करते हैं। हमारे साथ रहिए, आप मुझे बहुत नाज़रीन आवाज़ पाकिस्तान में दोबारा खुश आमदीद। बाकी जल्दी से PMLN जो है उसकी परफॉर्मेंस या उनका मिजाज देख लेते हैं। पिछले बहुत प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, एक्स प्राइम मिनिस्टर, तकरीबन 3 बार उन प्राइम मिनिस्टर बने, और हमने देखा कि हर बार उनकी जो हुकूमत रही उन्होंने क्राइसिस से सिचुएशंस क्रिएट की, और इस बार भी 2013 से लेकर 2018 तक जो PMLN की हुकूमत रही है, हमने देखा क्राइसिस दर क्राइसिस। क्या रिगिंग के मामले में भी अगर धरना हुआ तो उसको वो नहीं संभाल सके,
उसके बाद फिर पनामा का मामला हुआ, बहुत मौके थे कि उसको जुडिशरी के हवाले कर दिया जाता या पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी जाती, वो उनसे नहीं हो सका। उसके बाद हमने देखा डॉन लीज का मामला, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात तो किस तरह ख़राब किया गया वो भी हमने देखा। फिर ख़त्म नबूवत डिक्लेरेशन फॉर्म नाज़रीन, जो कि बेमानी सा एक काम उन्होंने किया इन द सेंस कि जो करने वाला नहीं था। तो इन तमाम चीज़ों से एक क्राइसिस सिचुएशन इन्होंने हमेशा पैदा की है बदकिस्मती के साथ। और ख़ास तौर पर डॉन लीज के बाद जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कशीदगी आई, उसको भी उन्होंने सही मानों में हैंडल नहीं किया। और एक और इनका बड़ा कैरेक्टर है इनकी पार्टी का या इनकी लीडरशिप का कि हर चीज़ में डिले करते हैं, डिसीशंस लेने में बहुत वक्त लगाते हैं, और उससे फिर ये होता है कि स्टेट क्राफ्ट में जब चीज़ें डिले हो जाती हैं तो फिर वो जो फैसले होते हैं वो अपने मानी खो देते हैं। तो ये ख़ास तुर्रा इम्तियाज़ रहा है PMLN की क़्यादत का और उनकी हुकूमत का। नाज़रीन फिर आगे चलते हैं, आते ही इन्होंने जो इकॉनमी की अगर आप हालात देख लें तो सर्कुलर डेट आते ही इन्होंने कहा कि हम ख़त्म कर देंगे, और इन्होंने तकरीबन 300 या 400 अरब का जो पैसा पे किया। उसके बाद आज हम देखते हैं 5 साल के अरसे के बाद कि सर्कुलर डेट जो इनके आने तक, इनके आने से पहले तकरीबन 400 बिलियन डॉलर के करीब या 320 बिलियन डॉलर रुपीज़ के करीब था, वो आज 1 ट्रिलियन रुपए का हो गया है। तो आप देखिए कहाँ 300 बिलियन रुपए और अभी 1 ट्रिलियन रुपए का सर्कुलर डेट बढ़ गया है। उसके बाद फॉरेन डेट आप देखिए, जो दूसरा हमारा कर्जा है मुल्क की मईशत पे, अगर इनके आने से पहले जो तकरीबन आप कह सकते हैं कि तकरीबन 60 से 65 अरब बिलियन डॉलर था, आज वो 90 बिलियन डॉलर के करीब हो गया है। पिछले 10 सालों में दो हुकूमतों ने तकरीबन 53 बिलियन डॉलर का कर्ज़ा लिया है नाज़रीन। इससे पहले मुशर्रफ की हुकूमत तक तकरीबन 35 से 40 बिलियन डॉलर का हमारे पे कर्ज़ा था, आज 10 साल के अरसे के बाद तकरीबन 92 से 93 बिलियन डॉलर का कर्ज़ा हमारे ऊपर है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मईशत कहाँ पर खड़ी है। उसके बाद इन जो एक्सपोर्ट्स हैं हमारी, पिछले 3-4 सालों में बहुत उसमें कमी आई है, और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो काफ़ी हमारा ख़राब हो गया है। और अभी भी कोई ऐसा प्लान ये हमें देकर नहीं गए कि हमने अपनी इंडस्ट्री को किस तरह बेस बढ़ाना है, अपनी एक्सपोर्ट्स किस तरह बढ़ानी है। उसके बाद इन्फ्लेशन आप देखिए नाज़रीन, अगर टमाटर आज से कुछ अर्सा पहले या 5 साल पहले 10 से 15 रुपये 20 रुपये किलो मिलते थे, तो आज उसकी कीमत 40 से 50 रुपये हो गई है। इसी तरह हर चीज़ जो अशाय खुर्दनी है वो इस कदर महंगी हो गई है कि गरीब आदमी के इख्तियार से बाहर हो गए हैं सारे मामला। उसके बाद पब्लिक जो इंटरप्राइजेज हैं हमारी, जो बीमार इंटरप्राइजेज हैं, PIA है, रेलवेज है, पाकिस्तान स्टील मिल्स है, उसके बारे में कोई इनकी पॉलिसी नहीं। उनकी प्राइवेटाइजेशन के लिए भी अगर कुछ किया तो वो भी नहीं कर पाए, और उस पर तकरीबन इस वक्त भी नाज़रीन 400 से 500 बिलियन रुपए हर साल खर्च हो रहे हैं हमारे, और उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई फ़ायदा हमें नहीं हो रहा, लेकिन वो पैसे बहरहाल बदस्तूर खर्च हो रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान की रेमिटेंसेस से बहुत फ़र्क पड़ा है पिछले 5 सालों में, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हुए हैं। इसी तरह जो हमारी हमारा जो लेबर है ख़ास तौर पे सऊदी अरब में और UAE में, अमारात में, वो बहुत से सैकड़ों लोग, हज़ारों की तादाद में लोगों को वापस भिजवाया गया, उससे रेमिटेंसेज में हमारी बहुत कमी आई है। तो कहने का मकसद ये है नाज़रीन के इक्तसादी तौर पे इनके पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी जिससे हमें ये बात पता चलती कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ हमें लेकर जा रहे हैं। ये बात तो बहुत करते हैं कि ग्रोथ ये हो गई, ठीक है ग्रोथ में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ, 3 से 4% हो गई, और अब ये क्लेम करते हैं कि इस साल शायद 6 से 7% हो, लेकिन ये जो सारे फिगर्स हैं अभी ये डिबेटेबल हैं, क्योंकि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो तो है ही नहीं। अब देखिए ना आप जो रुपया है वो अगर इनके आने तक तकरीबन 60-70 रुपये का था, आज की तारीख में वो 126 से 128 रुपये तक पहुंच गया एक डॉलर। तो ये जो है इनकी पॉलिसीज़ के जो खमियाजा भी हमारी इकॉनमी भुगत रही है आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद नाज़रीन पानी का वही मामला है जिस तरह पीपल्स पार्टी का मामला था, इन्होंने भी ख़ास तवज्जो नहीं दी। सोलर पार्क जो है वो भी अगर 100 मेगावाट का था तो वो 17-18% पे आ गया, 18 मेगावाट पे आ गया है। इस तरह नीलम झेलम प्रोजेक्ट है, नंदीपुर प्रोजेक्ट है, ये सारे बंद पड़े हैं, और अगर काम भी ख़ास तौर पर नंदी जो है पार्क प्रोजेक्ट वो तो बिल्कुल पार्शली काम कर रहा है, अभी मेरे ख्याल वो भी बंद हो गया है, तो उनका भी कोई फ़ायदा। लेकिन ये बहरहाल ज़रूर बात माननी पड़ेगी कि पिछले 5 सालों में
PMLN की हुकूमत ने तकरीबन 10 से 11 हज़ार मेगावाट जो है नेशनल ग्रिड में शामिल किया है, तो ये क्रेडिट हम उनको ज़रूर देंगे, क्योंकि जब पीपल्स पार्टी थी तो लोड शेडिंग की सूरत हाल तो बहुत ही गंभीर थी। इनके आने से कम अज़ कम ये ज़रूर हुआ है कि लोड शेडिंग में कमी हुई है, गो कि अभी पूरी तरह जो इन्होंने क्लेम किया था कि हम ख़त्म कर देंगे वो मामला तो नहीं है, क्योंकि जो ट्रांसमिशन लॉसेज हैं, प्रिफ्रिज जो हो रही है वो तो अपनी जगह है, उस पर उन्होंने खातिर ख्वाह कोई इकदाम नहीं किए। लेकिन बहरहाल ये क्रेडिट इनको ज़रूर जाता है कि इन्होंने एनर्जी सेक्टर में कुछ काम किया और इसका हम इनको क्रेडिट देते हैं। दूसरी तरफ इन्होंने टैक्स जो टू GDP रेशो है उस पर खास खातिर ख्वाह नहीं की। टैक्स हमारा वही हालात हैं, टैक्स बेस जो हमारा है वो इस तरह ही महदूद है, 8 से 9 लाख लोग सिर्फ टैक्स देते हैं और ये सूरत हाल इसी तरह ही है, क्योंकि रेवेन्यू इससे जनरेट नहीं हो पा रहे। उसके बाद इन्होंने नाज़रीन जो मेगा प्रोजेक्ट्स इन्होंने शुरू किए, ऑरेंज ट्रेन या मेट्रो बसेस, तो उसमें मुझे एक शेर याद आता है कि चांद का दश्त थी आबाद कभी कर लेना, चांद का दश्त थी आबाद कभी कर लेना, पहले दुनिया के उजड़े हुए घर तो देखो। तो इन्होंने ये सारे मेगा प्रोजेक्ट्स तो शुरू किए लेकिन एजुकेशन में, हेल्थ में उस तरफ तवज्जो नहीं दी, पावर्टी एलिवेशन की तरफ तवज्जो नहीं दी। और आज हम देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे जो जो आशियाना हाउसिंग प्रोजेक्ट एक है, और फिर करप्शन का भी अपना हाल है नाज़रीन, आशियाना प्रोजेक्ट हाउस में हम देखते हैं किस तरह अब ये खुल की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये भी, और फिर जो 56 कंपनीज बनाई इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और अब आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें खुलेंगी, क्योंकि ये बात यहाँ तक तो अब नहीं रहेगी, अब इंशाल्लाह एहतजाब का अमल शुरू हुआ है तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी। तो अब ये भी एक इनका मैं समझता हूँ कि एक नाकामी है। उसके बाद सानिया मॉडल टाउन जो हुआ उसके बारे में कोई बात आगे नहीं बढ़ी, और वो पहले तो होना ही नहीं चाहिए था, अगर हो गया तो खास तौर पे जो मुजरिम थे या जो इल्ज़ाम जिन पे लगा था, जो एक्यूज थे, उनको वाकई सज़ा मिलनी चाहिए थी, वो हमने देखा नहीं हुई। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी में, फिर फाटा में इन्होंने एक कमेटी बनाई, रिकमेंडेशंस आई, उसको आखिर तक डिले करते रहे, वो भी समझ नहीं आई, आखिर में आकर उनको याद आया अपने हुकूमत के आखिरी महीने में कि इस पर हमने काम करना है, और उसको अप्रूव करवाया। फिर 18th अमेंडमेंट मैं समझता हूँ कि जल्दबाजी में की गई, और उसमें भी बहुत सी ऐसी शिकें जो हमारी कौमी वहदियत है उस पर वो कम अज़ कम कुछ ख़ास तौर पर एजुकेशन, हेल्थ के मामलात हैं उस पर वो उससे मुताबिकत नहीं रखती हमारे इंटरेस्ट में। और क्या मुमकिन है कि अगली जो पार्लियामेंट आए वो इसको दोबारा देखे, रिविज़िट करे इस पर। फिर नाज़रीन फॉरेन पॉलिसी एरिया में अगर हम देखते हैं तो कश्मीर का इन्होंने बुरा हाल किया, बुरहान वानी के बाद उस सारे मामले को वैसे ही लेकर बैठ गए। जो 22 पार्लियामेंटेरियन उन्होंने भिजवाए थे दुनिया में इन्वाइस करके, वो हमें सबको मालूम है उन्होंने क्या हाशर किया। फिर ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इलेक्शन, पाकिस्तान पहली दफ़ा हारा ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इलेक्शन। उसके बाद उफा जॉइंट स्टेटमेंट हम जाते हैं, जम्मू और कश्मीर का जिक्र तक उसमें नहीं आया। इसी तरह कुलभूषण जाधव का जो मामला था उस पर हम जानते हैं क्या रही है पॉलिसी, कहीं उस पर कोई सही मानों में उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाया, हमारी डिप्लोमेसी उस पर बुरी तरह फेल हुई। उसके बाद पठानकोट के हम जानते हैं जिस तरह इन्होंने खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल कर ली जल्दबाजी में कि हाँ जी ये पाकिस्तान से लोग गए थे और वहाँ पर पठानकोट का जो टेररिज्म जो हुआ वो पाकिस्तान से गया, ये भी सारे काम जल्दबाजी हैं। फिर अभी हाल ही में जो डॉन को इंटरव्यू दिया और मुंबई अटैक के हवाले से जो बात की वो भी हमारी समझ से बालातर है। तो ये तमाम जो नाज़रीन चीज़ें, फिर पाकिस्तान US रिलेशंस जो हालात रहे वो भी हम जानते हैं, ट्रंप का जो ट्वीट था 1 जनवरी का वो किसी से ढका छुपा नहीं है। उसके बाद तो ताल्लुकात ऐसे हमारे ख़राब हुए कि अब अभी तक उनको संभालना मुश्किल हो रहा है, हमारा ट्रेड US के साथ कम हो गया, इसी तरह सऊदी अरब के साथ, UAE के साथ हमारे ताल्लुकात में बहुत पेचीदगियाँ आईं। तो ये सारे मामला तब शुरू हुए जब हमें ये डिसीशन की कमी थी, डिसीशन नहीं ले पाते थे, हर चीज़ को डिले करते रहे, और उस वजह से हमने तमाम ये प्रॉब्लम्स देखे। तो नाज़रीन ओवरऑल जो है अगर आप मुझे कहें कि मैं इनको क्या ग्रेड देता हूँ तो इनको मैं सी ग्रेड, नाज़रीन इनकी परफॉर्मेंस पे और जो इनके रवैये हैं, जो स्टेट क्राफ्ट है, जो ये क्लेम तो बहुत करते हैं लेकिन स्टेट क्राफ्ट का इनको पता नहीं है, तो सी ग्रेड। PTI बी ग्रेड, PPP सी ग्रेड, MMA सी ग्रेड एंड PMLN सी ग्रेड। तो ये नाज़रीन मेरी अपनी असेसमेंट है, आप इत्तेफाक कर सकते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं। अगले सेगमेंट में हम आपकी कॉल्स लेंगे, हमें कॉल कीजिए और अपनी राय से हमें मुतला कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ रहिए।
ناظرین، پی ایم ایل این کو ہم نے سی گریڈ دیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کی کالز دوں، یہ مختصراً سی پیک جو ہے اس کا میں کریڈٹ ضرور دینا چاہتا ہوں ان کو، سی پیک کو فارملائز اور فائنلائز انہوں نے کیا، لیکن اس میں بھی کانٹروورسیز جنریٹ کر دی، ویسٹرن کوریڈور، ایسٹرن کوریڈور، اور جو ڈیٹیلز تھیں وہ پبلک نہیں کی، اس وجہ سے لوگوں کے شک و شبہات اور بڑھ گئے، تو بھی ایک قسم کا اچھا پروڈکٹ جو گیم چینجر ہو سکتا تھا، بدقسمتی کے ساتھ کچھ کانٹروورسیز کا شکار ہو گیا ہے، بٹ الحمدللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کو کم از کم کانٹروورسی سے دور رکھا جائے گا۔ پھر ہم نے دیکھا ناظرین کہ جون 2014 میں، جب نہیں 2014 میں اس جو رد الفس ضرب ابز آپریشن شروع ہونا تھا، اس پہ بھی لے تو لال کرتے رہے، اور پھر جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا، سانے ہوا، اس کے بعد پھر اے پی ایس کمیٹی بنی، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو نیشنل ایکشن پلان بنا اس کو صحیح معنوں میں عملی جامہ نہیں پہنایا گیا، اور جو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی نیکٹا بنائی گئی اس میں بھی کوئی اس کو اکوپ نہیں کیا گیا صحیح معنوں میں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں ناظرین، اور میں فیکٹس کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سی گریڈ بنتا ہے پی ایم ایل این کا۔ ہم اپنے ووٹ دینا ناظرین پارٹی کو، میں پہلی بھی کہتا رہا ہوں کہ ہم نے پارٹیز کو ووٹ دینا ہے، خاص طور پہ لوٹس کو، جو ٹرن کورس ہم کو ہم نے ووٹ نہیں دینا، اور انڈیپینڈنس کو بھی کوشش کرنی ہے ہم نے ووٹ نہیں دینے، ہم نے پارٹیز کو مضبوط کرنا ہے، اور پارٹیز کے ساتھ ہی ہمارا فیوچر ہے۔ اور پھر ہم نے ناظرین یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اگلے 5 سال، چونکہ ہماری اکانومی کے حالات بہت برے ہیں، اس لیے ہمیں ٹینشنس نہیں چاہیے، کوئی ایسی پارٹی آئے جو کہ ٹینشنس کریٹ نہ کرے، ایک معاملات کو، اسٹیٹ کرافٹ کو صحیح معنوں میں آگے لے کر چلے۔ تو یہ ہمارا ملک ہے، اس میں ہم نہیں رہنا ہے ناظرین، اس لیے کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اس پارٹی کو ہم سامنے لے کر آئیں جو معاملات کو بڑی شائستگی کے ساتھ، سینیٹی کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ آگے لے، حکمت کے ساتھ آگے لے کر چلے۔ اگر ہم نے وہی معاملات کو اس طرح ہی چلانا ہے تو پھر تو آپ جس پارٹی کو بھی ووٹ دے دیں تو وہ پھر آپ کی اپنی مرضی ہے ناظرین۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، کون صاحب؟ ہیلو، جی فرمائیے، کون صاحب؟ جی فرمائیے، میں چودھری خلیل ہوں، سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ جی چودھری صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں بس صاحب سے یہ بات، مسئلہ کشمیر سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں کالم بھی لکھتا ہوں کشمیر ڈیمو پر۔ جی ماشاء اللہ، بتائیے۔ اور ایشین یونین پر کے ویزے بھی لکھتا ہوں، ایک بک بھی لکھی ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ میں یہ ملکی آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی، کشمیر کے بارے میں بات کرنی چاہتا ہوں۔ جی جی کیجیے کیجیے، جلدی سے کیجیے۔ میں باسا صاحب سے پہلے سلام ڈال ہوں۔ جی ہاں، میں بول رہا ہوں، میں چودھری صاحب عبد الباسط بول رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بتائیے، فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر میرا نام چودھری خلیل ہے، میں ایشین یونین کی تجویزیں لکھتا ہوں، میں کشمیر کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے فرمائیے، کیجیے بات۔ سر میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یو این او میں دو مسئلے ہیں چل رہے ہیں، مسئلہ کشمیر، مسئلہ فلسطین۔ جی بالکل، یہ دونوں مسلم امہ کے میجر مسئلے ہیں، بالکل وہ کبھی بھی حل نہیں کریں گے۔ میں ایشین یونین کی تجویزیں لکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جیسے افریقی یونین بنی، یورپی یونین بنی، ایسے ایشین یونین بنے، اس میں یہ دونوں مسئلے حل ہوں۔ چلیں پھر آپ مجھے چودھری صاحب اس طرح کیجئے کہ مجھے آپ تجاویز بھیجوائیے، اور پھر ہم ان کو پڑھ کے دیکھتے ہیں کیا اس کا ناظرین۔ اور دوسری بات، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جمہوریت ہی ہمارے ہمیں آگے لے کر چل سکتی ہے، کیونکہ جمہوریت ایک انسانیت جو انسانیت تاریخ میں ایک واحد ایسا نظام ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلام اور قرآن کی تعلیمات سے بالکل مطابقت رکھتا ہے، یا اسے قریب ترین ہے۔ امرہم شورا بینہم، ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم سب کام اپنے ایک بہا مشورے سے کریں، اور ڈیموکریسی میں سمجھتا ہوں ایک واحد، ہم نے بہت سے خلافت بھی آئی، اس کے بعد ملوکیت کا زمانہ آیا، ڈکٹیٹرشپس بھی ہم نے دیکھیں، تو بنیادی طور پہ جمہوریت جو ہے وہی ہمارا ایک راستہ ہے آگے جانے کا۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، کون صاحب؟ دلدار حسین بلوچ ملتان۔ جی دلدار صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ سر آپ رکھا ہوا تھا نا موضوع یہ ڈیم کا، یہ دوسرا، جی جی سر، یہ مہنگائی پہ کنٹرول نہیں ڈال رہے، کیا کریں گے آگے، کیا کریں گے؟ بس وہی ہے مسئلہ، یہی ہے کہ مہنگائی پہ کنٹرول نہیں ہے۔ آج ڈالر مزید بڑھ گیا ہے، 129 روپے کا ہو گیا ہے اپنے روپے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ ہماری چونکہ امپورٹس ہیں، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہر چیز ہم امپورٹ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم کیلا بھی بھارت کا کھاتے ہیں،
और अब हमें देखिए नाज़रीन, हमारी जो तायुश की जो चीज़ें हैं, कीवी एक फ्रूट है, उस पर भी हम फॉरेन एक्सचेंज खर्च करते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ, कौन साहब? राणा मंसूर बात कर रहा हूँ। जी राणा साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? अब्दुल बात साहब, बात ये आपने जो की, जमहूरियत से मतलब हर मसले का हल है। नहीं मैं, आपने कुरान शरीफ से भी दलील दी जी कि बाम मसले से करना चाहिए हर मसले का हल, ठीक है जी बताइए। लेकिन पाकिस्तान में जो जमहूरियत है, क्या वो आप समझते हैं कि सही मानों में जमहूरियत है? नहीं, सही मानों में नहीं है, लेकिन हमारा चूंकि हमने बहुत सी डिक्टेटरशिप भी देखी है, हमारी पार्टीज अभी जमहूरियत उनमें नहीं आई, तो वो जमहूरियत मुल्क में क्या लाएंगी। लेकिन भारत एक प्रोसेस से हम उम्मीद करते हैं कि जो जो ये जमहूरियत का हमारा सफर आगे बढ़ेगा, पार्टीज भी अपने आप को जमहूरी अंदाजों से तरतीब देंगी, अपने आप को उस तरह ऑर्गेनाइज करेंगी, और एक जमहूरियत इंशाल्लाह हमारे यहाँ जड़ें पकड़ेगी। तो मैं मतलब हमें नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर वही बात दोहराता हूँ नाज़रीन कि अगले 5 साल हमारे लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं, ख़ास तौर पे जो हमारी इक्तिसादी सूरत हाल है, हमारे ख्वाजा पॉलिसी के अमूर हैं, हमारे खित्ते के जो हालात हैं। हमें एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो कि एक स्मूथ हुकूमत हो, विदाउट टेंशन्स हमें नहीं चाहिए अपने मुल्क के अंदर, जो आर्टिफिशियल टेंशन्स क्रिएट की जाती हैं उससे हमें छुटकारा हासिल करना है। कोशिश इस वक्त ये हो रही है नाज़रीन दुनिया की, जो इस्टेब्लिशमेंट है जो पाकिस्तान को खुशहाल नहीं देख सकती, कि वो इन इलेक्शंस को मशकूक बनाना चाहती है, इसके बारे में डाउट्स क्रिएट करना चाहती है। तो हमें इसको भी इंशाल्लाह, हमने इस एफर्ट को भी थॉट करना है किस तरीके से नाकाम बनाना है। तो ये हम तभी कर सकते हैं जब हम सब मिलकर इंशाल्लाह बाहर निकलें, वोट उस पार्टी को दें जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल की ज़मानत है। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा यहाँ ख़त्म हुआ, कल इंशाल्लाह मेरे साथ कुछ मेहमान होंगे, हम पाकिस्तान की जो चैलेंजेस आने वाली हैं नई हुकूमत के लिए और खारजा पॉलिसी पे जो चैलेंजेस आएंगे वो हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इंशाल्लाह कल आप ज्वाइन कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।